नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के बारे में बात करने वाला हूँ जो भिन्न भिन्न प्रकार के बिहार से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के सारे जीके हर बिहारवासी को अवश्य जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार, बिहार राज्य परिचय, बिहार राज्य परिचय। हम लोग देखेंगे बिहार राज्य परिचय, बिहार स्थापना दिवस। बिहार स्थापना दिवस जो है ये 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बिहार राज्य की जो राजधानी है ये पटना है। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से बिहार जो है एक प्रांत के रूप में कार्य कर रहा है। और बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना है, ये याद रखेंगे। और बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से बिहार जो है प्रांत के रूप में कार्य कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे बिहार से रिलेटेड, इसे बिहार राज्य के बनने के पीछे जो इतिहास है उससे संबंधित हम लोग बातों को देखेंगे। तो बिहार से रिलेटेड जो इतिहास है वो 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 ये डेट है। इस दिन बिहार से जो बिहार जो है ये बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा जो है दिल्ली दरबार में हुई। अगला जो डेट है ये 22 मार्च 1912 ईस्वी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी डेट को विधिवत घोषणा यानी अधिसूचना जारी की गई कि बिहार राज्य जो है ये एक अलग राज्य के रूप में बनेगा, यानी बंगाल से जो है काटकर एक बिहार राज्य की स्थापना की जाएगी। इसकी विधिवत घोषणा हुई जिसको अधिसूचना जारी किया गया। और फिर 1 अप्रैल 1936, ये डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये डेट्स को पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1936 उस दिन जो है बिहार से उड़ीसा जो है अलग राज्य बना, यानी उड़ीसा बिहार से अलग राज्य 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है उड़ीसा राज्य बिहार से अलग होकर एक राज्य बना। अगला हम लोग देखेंगे, अगला डेट है 15 नवंबर, और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये डेट पूछे जा चुका है कि झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ। तो झारखंड बिहार से अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो इसे याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड बिहार से अलग राज्य बना। आगे हम लोग देखेंगे बिहार के विस्तार। तो बिहार के विस्तार जो है, बिहार विश्व मानचित्र पर जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ये अक्षांशीय विस्तार ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। यानी जो इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार बिहार का, ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। और इसी बिहार का देशांतरीय विस्तार जो है ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से, यानी जो 83 डिग्री 19 मिनट
50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक जो है इसका विस्तार है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार के अक्षांशीय विस्तार क्या है, या कभी कभी पूछा जाता है कि देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ये इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है विश्व के मानचित्र पर, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला जो है ये है बिहार के क्षेत्रफल से संबंधित, यानी बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और अगला जो है प्रश्न ये है लंबाई, तो लंबाई जो है बिहार का नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण ये 345 किलोमीटर जो है लंबाई इसकी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है बिहार का 345 किलोमीटर। और बिहार की जो चौड़ाई है ये है पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट 483 किलोमीटर, यानी बिहार की जो चौड़ाई है ये 483 किलोमीटर और लंबाई जो है ये 345 और चौड़ाई 483, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे बिहार की जनसंख्या, तो बिहार की जनसंख्या जो है ये 10,40,99,452, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 10,40,99,452। और ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा 2011 के अनुसार, जो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार ये डाटा जो है दिया गया है। और इस जनसंख्या में मेल यानी पुरुष की जो संख्या है वो है 5,42,78,157, यानी कि ये जो बिहार की कुल जनसंख्या है उसमें 5,42,78,157 पुरुष का है, और महिला के लिए जो है संख्या वो 4,98,21,295 है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, यानी 2001 से 2011 के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हुआ है उसका प्रतिशत है 25.4%, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि बिहार का दशकीय वृद्धि कितना है, तो 25.4%। अगला हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1,106 व्यक्ति जो है रहते हैं निवास करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी जनसंख्या घनत्व जो है 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। अगला हम लोग देखेंगे लिंगा अनुपात, तो लिंगा अनुपात ये जो है बिहार का 918:1,000, इसका मतलब ये होता है कि 918 महिला पर जो है 1,000 पुरुष, यानी कि 1,000 जहाँ पुरुष की जनसंख्या है वहाँ 918 महिला है, यानी कि ये रेशियो बनाया गया है, यानी कि 1,000 पुरुष जब हम काउंट करते हैं तो उसमें 918 महिला को देखा जाता है, यानी रेशियो ये है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि महिलाओं की जो संख्या है ये पुरुषों की अपेक्षा कम है, यानी 1,000 पुरुष पर 918 ही महिला बिहार में हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिंगा अनुपात 918:1,000, यानी 1,000 पुरुष पर जो है 918 महिला को यहाँ पर देखा जाता है।
अगला जो है साक्षरता दर, तो बिहार की साक्षरता दर जो है 61.80, यानी 61.80% जो है बिहार की साक्षरता दर। आगे हम लोग देखेंगे, आगे बिहार में महानगर जो है एक है, बिहार में महानगर एक है और वो पटना है। बिहार में जो महानगर है वो पटना है, यानी बिहार में महानगरों की संख्या एक है, केवल एक महानगर है और वो पटना है, तो ये याद रखेंगे। और बिहार की परमंडलों की संख्या जो है, यानी परमंडलों की संख्या बिहार में कुल 9 है, यानी बिहार में परमंडल जो है 9 परमंडल बिहार में है, जिसमें पटना, मगध, मुंगेर, सारण, तिरहुत, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, कोसी, तो ये 9 परमंडल है बिहार में, तो ये याद रखेंगे। अगला है जिलों की संख्या, तो बिहार में जिलों की संख्या जो है ये 38 है, यानी बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। आगे देखेंगे लोग, बिहार में अनुमंडलों की संख्या, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है 101 अनुमंडल है। अगला देखेंगे हम लोग, सामुदायिक विकास खंड, सामुदायिक विकास खंड जिसको ब्लॉक बोलते हैं, इनकी संख्या बिहार में 534 है, यानी बिहार में कुल ब्लॉक की संख्या जो है 534 है। अगला हम लोग देखेंगे, बिहार में नगर निगम की संख्या जो है, नगर निगम की संख्या ये 11 है, और बिहार में नगर परिषद की संख्या जो है 42 है, और बिहार में नगर पंचायत की संख्या जो है 86 है, और बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या यानी यूनिवर्सिटी की संख्या जो है 21 है, यानी 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 21 है। अगला हम लोग देखेंगे टॉपिक, तो अगला जो है बिहार में विधानसभा क्षेत्र सदस्यों की संख्या, विधानसभा क्षेत्र सदस्यों की संख्या जो है 243 है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या ये 75 है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार से रिलेटेड कि बिहार में विधानसभा क्षेत्र सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 75 है, तो ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार से। और बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या जो है 40 है, बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है, और बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखेंगे, बिहार राज्य का राजकीय जो है, बिहार राज्य का राजकीय भाषा जो है ये हिंदी व उर्दू है, यानी हिंदी जो है प्रथम बिहार का राजकीय भाषा है, और उर्दू जो है सेकंड है, यानी द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को रखा गया है, और प्रथम जो है ये हिंदी है। आगे हम लोग देखेंगे, बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है, और बिहार राज्य का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है, जिसको इंग्लिश में एस्पैरो कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, बिहार राज्य की जो है राजकीय पुष्प गेंदा है, और बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है, और बिहार राज्य की प्रमुख फसल जो है धान, गेहूँ, मक्का, चना, गन्ना, ये जो है बिहार की प्रमुख फसलें हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।